हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका संडे स्टोरी विद सोनाली की पहले एपिसोड में। इस सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे हर रविवार को देश और दुनिया के कुछ अहम मुद्दों पे। तो आज का सीरीज़ का पहला एपिसोड है द मणिपुर मोनोलॉग। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए इस सीरीज़ के पहले एपिसोड को। जैसे कि आप सब जानते हैं, 21st सेंचुरी में टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के साथ साथ वायलेंस ऑन वुमेन और सेक्सुअल मोलेस्टेशन के केसेस भी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहे हैं। आपके सामने एक रिपोर्ट दिखाऊंगी, उस रिपोर्ट के मुताबिक 2010 से लेकर 2020 तक तकरीबन 60% से ज़्यादा वुमेन रेप और मोलेस्टेशन के शिकार हुए हैं। तो आइए बात करते हैं आज मणिपुर वायलेंस के बारे में। तो शुरू करते हैं शुरुआत से। मणिपुर स्टेट को बेसिकली दो एरिया में डिवाइड किया गया है। एक है इम्फाल और आसपास की एरिया, जिसको बोला जाता है हमारे वैली एरिया, और बाकी सब है जो कि हिल रीजन में रहते हैं, हिली एरिया। जो वैली एरिया है वो लगभग 10% ऑफ द लैंड एरिया है, और जो हिली एरिया है वो लगभग 90% ऑफ द एंटायर लैंड ऑफ मणिपुर है। तो अब बात है वहाँ की जनजातियों की। जो वैली एरिया है यानी कि इम्फाल और उसके आसपास की एरिया में ज़्यादातर मेतेई कम्युनिटी रहा करती है, जो कि देश की कंप्लीट पॉपुलेशन की ओनली 20-30% है। और जो हिल रीजन है यानी कि हिली एरिया है, वहाँ पे नागा, कुकी, चिन, इस तरह की तकरीबन 15-20 ट्राइब रहते हैं। तो अब क्या हुआ मणिपुर में, इन दो कम्युनिटी के बीच यानी कि जो ट्राइब्स है और जो वैली एरिया की डोमिनेंट पीपल है, उन लोगों में एक एथनिसिटी क्लैश हुआ, जिसकी वजह से हमारी इंटरनल सिक्योरिटी अफेक्टेड हुआ। तो क्लैश क्यों हुए, वो क्लैश के कुछ कारण थे। कुछ कारण ये थे कि लैंड रिफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो वैली एरिया के लोग हैं वो लोग हिल रीजन में लैंड नहीं खरीद सकते, जबकि जो हिली रीजन के लोग हैं वो लोग वैली एरिया में आ भी सकते हैं और कहीं पे भी अपनी मर्जी से लैंड खरीद सकते हैं। जो हिली रीजन के लोग हैं उनको मिला हुआ है शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस, जिसकी वजह से उन्हें एजुकेशन से लेकर जॉब तक हर तरह के क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में भी सस्ता रिजर्वेशन और ज़्यादातर के प्रिविलेजेस मिल रहे हैं। लेकिन जो वैली रीजन के लोग हैं उनके पास डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन उन लोगों को सिर्फ ओबीसी या तो शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिया गया है। तो अभी कुछ दिनों से जो मेटी कम्युनिटी है, जो कि एक डोमिनेंट ग्रुप है, उनका ये मांग रहा कि उनको भी शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। और उनके ये कहने के पीछे जो आर्गुमेंट था वो था कि जब उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाएगा तो इस वजह से वो लोग अपनी एथनिसिटी को, अपनी लैंग्वेज को, अपनी कल्चर को और अपनी एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके खिलाफ था पूरा जो नागा, कुकी, चीन जैसे 15 और ट्राइब्स। ये जो ट्राइबल पीपल थे, जो पहले से ट्राइबल स्टेटस को प्रिविलेजेस की तरह यूज़ कर रहे हैं, उन लोगों का कहना था अगर उन लोगों को शेड्यूल ट्राइब दिया गया, मेटेई कम्युनिटी जो है, तो इन लोगों की जो ट्राइब पहले से है उन लोगों की एथनिसिटी पर इम्पैक्ट आएगा, उनकी एरिया के प्रोटेक्शन पर इम्पैक्ट आएगा और नेगेटिवली इम्पैक्टेड हो जाएंगे, और इसी वजह से ये क्लैश हुआ। तो दोस्तों ये है वो रिपोर्ट ऑन वायलेंस ऑन वुमेन। अभी इन सब के बीच मणिपुर हाईकोर्ट ने एक रिकंसिडरेशन की अपील की सुनवाई करते हुए कहा कि मेटेई कम्युनिटी को ST मतलब शेड्यूल ट्राइब की स्टेटस देने की ऊपर डिस्कशन किया जाए। मतलब उन्होंने दिया नहीं है, उन्होंने सिर्फ डिस्कशन करने की बात कही है, और इस बात से भड़क गए वो लोग जिनको ये अपील पसंद ही नहीं था, मतलब जो पहले से शेड्यूल ट्राइब थे। तो क्या हुआ, 3 मई 2023 को एक मार्च हुआ जो था ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च। तो ये ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च कंप्लीट ट्राइब कम्युनिटी की स्टूडेंट यूनियन जो थे वो कर रहे थे इस ट्राइब स्टेटस के खिलाफ। पहले से हिली कम्युनिटीज थे उन लोगों के मुताबिक अगर मेटेई ग्रुप को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाता है तो ये ट्राइब्स की एग्जिस्टेंस पर एक खतरा लाएगी। अगर जो वैली रीजन के लोग हैं वो लोग हिली रीजन पे अपना लैंड खरीदेंगे तो उनकी एग्जिस्टेंस पर भी सवाल खड़ा करेंगे। तो इसी तरह से वो एथनिक ग्रुप कम्प्लीटली वैनिश करने का भी संभावना है, ऐसा जो पहले से शेड्यूल ट्राइब स्टेटस इंजॉय कर रहे हैं उनका मानना है। तो इस बीच क्या हुआ, हाईकोर्ट ऑफ मणिपुर ने एक बात कही कि ये जो उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देने के लिए मेटेई पीपल को, उसके ऊपर एक रिकंसिडरेशन किया जाए या तो एक छोटा सा डिस्कशन किया जाए। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उनको दिया जाएगा, और ये जो बात थी ये बात पसंद नहीं आई बाकी नागा, कुकी और चिन जैसे जनजातियों के लोगों को। इस वजह से क्या हुआ, 3 मई 2023 को एक मार्च हुआ, ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च। उसमें लगभग 60,000 लोग उस रैली में शामिल हुए रिपोर्ट के हिसाब से, और वो लोग एक क्लैश करने के मूड पे थे शायद, क्योंकि वो और मेटेई के बीच एक क्लैश हुआ भी, जो कि हुआ हमारा चूड़ा चंद्रपुर के पास। ये कांगपोक की एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ का एक प्लेस है, वहाँ पे ये हुआ। तो इस क्लैश में क्या हुआ, लगभग 70 लोगों की मौत भी हुई। उससे पहले कई जगहों पे मणिपुर में वायलेंस लगा रहा था, और इस वजह से
28 अप्रैल को कुछ जगहों पे 144 भी धारा 144 भी लगाया गया था। फिर क्या हुआ, 4 मई को इम्फाल वैली एरिया में सीआरपीएफ, असम राइफल्स और लोकल पुलिस को तैनात कर दिया गया और एक्सट्रीम केसेस में शूट एट द साइट का ऑर्डर भी दिया गया। इस तरह से चलता रहा कुछ दिनों तक। फिर रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वायलेंस 77 डेज तक चले, जिसमें 3,500 से ज़्यादा लोग घायल हुए, 5,000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हुए। फिर 28 मई यानी कि 28 मई के बाद धीरे धीरे ये हिंसा कम होती गई और कुछ कुछ एरिया यानी कि इम्फाल के आसपास के एरिया से जो धारा 144 लगाया गया था उसको हटाया गया। तो धारा 144 के मुताबिक वहाँ पे कम्प्लीटली इंटरनेट कनेक्शन को कट कर दिया गया था। तो जब इंटरनेट कनेक्शन रिस्टोर हुए सारी हिंसा ख़त्म होने के बाद, मतलब कम्प्लीट पीस तो अभी तक भी रिस्टोर शायद नहीं हुए है, लेकिन फिर भी इंटरनेट रिसर्कुलेशन होने के बाद एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में क्या था कि दो महिलाओं को कुछ क्राउड मिलके बिना कपड़ों की परेड करवा रहे थे और उनके साथ सेक्सुअल मोलेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे थे। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो पूरे देश को ये शर्मसार कर दिया और इंसानियत के ऊपर सवाल उठाने लगा। फिर क्या होना था, जनता जवाब मांगने लगी, सरकार से जवाब मांगने लगी, इंक्वायरी कमिटीज बैठे और पता चला कि इस बारे में एफआईआर भी हुआ है। तो एफआईआर दर्ज करने के लगभग 2 महीने के बाद, ये वीडियो वायरल होने के बाद, अब अरेस्ट होने लगे हैं, वो कल्प्रिट्स की पहचान होने लगी है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक मैतेई कम्युनिटी में एक फेक न्यूज़ फैला था कि उनकी महिलाओं के साथ जबरदस्ती हो रहा है बाय अदर ट्राइब्स यानी कि नागा, कुकी या चिर। इस वजह से वो एक क्राउड बन के गए कुछ ट्राइब विलेज को, ट्राइबल विलेज को जलाने के लिए, और वो कर भी रहे थे, न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे और उनके लड़कियों के साथ भी कुछ जबरदस्ती करने की खबर और एफआईआर भी लॉन्च हुए थे। तो इस बीच क्या हुआ, वो कुकी विलेज जो थी पर्टिकुलरली, एक फैमिली अपनी पड़ोसियों के साथ भाग रही थी जिनमें थे 2 महिला और 3 मर्द थे उनमें। तो उसमें क्या हुआ, वो लोग जब भाग रहे थे जंगल की तरफ, वो लोग क्राउड के हाथ आ गए। तो क्राउड के हाथ आने के बाद वो जो मेल मेंबर्स थे उनको मार दिया गया और जो महिला मेंबर्स थे उन लोगों के साथ ये किया गया, यानी कि उनको बंदूक के नोक पर कपड़े उतारने के लिए बोला गया और उसके बाद ये सब हुआ। वो जो 2 महिला थे उनमें एक 42 साल की औरत थी और एक 19 साल की या 21 साल की, शायद 21 साल की बच्ची थी। जो 42 साल की औरत थी उसके साथ सिर्फ मोलेस्टेशन किया गया उनके कहने के हिसाब से, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा था उसी हिसाब से कह रही हूँ, और जो 21 साल की बच्ची थी उसके साथ गैंग रेप हुआ। कहा जाता है कि उस दिन 2 औरतों की वीडियो सामने आई है लेकिन 3 औरतों के साथ ऐसा हुआ था। तो मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, ये वीडियो वायरल हुआ तो हमें पता चला, तो मणिपुर में जो 77 डेज का ये वायलेंस का फेस था उस बीच कितने महिलाओं के साथ ये सब हुआ होगा। चलो गैंगरेप ही ना सही, लेकिन मोलेस्टेशन, सेक्सुअल असॉल्ट या कोई भी किसी भी तरह की वायलेंस कितने महिलाओं के साथ हुआ होगा जिसका वीडियो हम तक पहुंचा ही नहीं या उसका वीडियो हुआ भी नहीं। तो इन तमाम घटनाओं के बीच मेरे सिर्फ 3 सवाल है। पहला, क्या ये जो वीडियो अभी वायरल हुआ है वो एक लौता वीडियो है पूरे मणिपुर के वायलेंस के इन 77 डेज के एक फेज में? दूसरी सवाल ये है कि किसी भी चीज़ का ग्रीड यानी कि इंसान की लालच क्या सच में इंसानियत से इतना ऊपर चला गया कि वो इस तरह का हेनस क्राइम भी कर सकता है? और तीसरा और सबसे अहम सवाल, रेप के लिए पनिशमेंट क्या होना चाहिए इंडिया में जिसकी वजह से कोई किसी का रेप या सेक्सुअल मोलेस्टेशन करने से पहले कम से कम 1,000 बार सोचे और वो सजा को सोचकर उसका रुख काप जाए? तो इस तरह की तमाम स्टोरीज को लेके संडे स्टोरी विद सोनाली आता रहेगा हर रविवार को। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू एंड नमस्ते। अपनी तमाम कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।